फरियादियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ आए नौनिहालों के प्रति स्नेह अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सहज कार्यशैली सबको अपना मुरीद बना लेती है। हर बार की तरह बुधवार को भी सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। करीब 1000 फरियादियों की भीड़ में एक एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, उसे महसूस किया और समस्या के त्वरित निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान उनकी नजर जब फरियादियों की गोद में बैठे मासूमों पर पड़ी तो उनको दुलारा, आशीर्वाद दिया और चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं इत्मीनान से सुनी। संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश किया। जनता दर्शन में दूर दराज से फरियादी पहुंचे थे। सीएम ने यात्री निवास में भी जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी, आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जनता दर्शन में काफी संख्या में महिलाएं, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग की भी अपनी समस्याएं लेकर आई थीं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संजीदगी के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से फरियादियों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि उन्हें एक ही समस्या को लेकर बार बार जनता दर्शन में न आना पड़े। जनता दर्शन में इसके पूर्व बुधवार की सुबह मठ से बाहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे, वहां गौसेवा की। उसके बाद संत निवास के पास श्वान कालू एवं गोलू को दुलार किया। Gracias.